नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे रेलवे को लेकर। भारत समेत पूरे विश्व में जब कोरोना का संकट मंडरा रहा था तो इस महामारी से बचने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया ताकि बीमारी पकड़ने से बचा जा सके। इसमें यातायात सेवा पर असर पड़ा और रेलवे और बस और हवाई सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जब कोरोना के मामलों में कमी आ रही है तो एक बार फिर से रेलवे सेवा को बहाल किया जा रहा है। अब तो पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन की भी शुरुआत कर दी गई है। रेलवे की तरफ से समय समय पर रेल यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट भी जारी किया जाता रहा है। ऐसे में अब रेलवे की तरफ से एक पूरी खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से यात्रियों को सुविधा के लिए ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों में वाईफाई उपलब्ध करा रही है। आपको बता दें कि देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई कनेक्टिविटी की सुविधा देने के बाद सरकार ने घोषणा किया है कि अब वह देश भर में चलने ट्रेनों में मुफ्त वाईफाई प्रदान करेगी। साल 2019 में देश के पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र 4.5 साल में ट्रेनों के भीतर वाईफाई प्रदान करने की योजना बना रही है। लेकिन इसमें कई तरह की चुनौतियां थी जिसके कारण अब इसे रेलवे ने अपने प्रोजेक्ट से हटा दिया है। पीटीआई की खबरों की माने तो रेलवे ने ट्रेनों में इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने की परियोजना को बंद कर दिया है क्योंकि यह लागत कस्टम इफेक्ट नहीं था। आपको बता दें कि सरकार ने संसद में इसकी पुष्टि कर दी गई है। लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में सेटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए वाईफाई इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई। पायलट प्रोजेक्ट के दौरान यह देखा गया कि टेक्नोलॉजी इंसेंटिव कैपिटल के साथ रैंकिंग कॉस्ट भी आवश्यकता से ज्यादा हो रही थी। जैसे ही यात्रियों की उपलब्ध कराई गई इंटरनेट ब्रॉडबैंड अपर्याप्त थी। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि अभी तक ट्रेनों में वाईफाई इंटरनेट सेवाओं के लिए उपयुक्त किफायती तकनीक उपलब्ध नहीं है। फिलहाल रेलवे टाटानगर सहित देश के करीब 6,000 रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई की सुविधा दे रही है। यह सेवा रेलटेल नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इसका उपयोग करना भी आसान है। इसके लिए आप बस रेलवे स्टेशन परिसर में जाइए, मोबाइल पर वाईफाई का वैकल्प ऑप्शन है, यहाँ पर आप पासवर्ड डालकर ओटीपी डालकर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे जैसे आप रेलवे स्टेशन से दूर होते जाएंगे आपका यह नेटवर्क कमजोर होता जाएगा। आपको बता दें कि सबसे पहले गूगल ने यह सेवा साल 2016 में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से शुरू किया था। इसके बाद झारखंड में 217 जगहों पर यह लगाया गया, बिहार में 384, उड़ीसा में 232 जगहों पर, आंध्र प्रदेश में 509 जगहों पर, अरुणाचल प्रदेश में 3, असम में 222, उत्तर प्रदेश में 762, महाराष्ट्र में 550, पश्चिम बंगाल में 498 रेलवे स्टेशनों पर यह सेवा बहाल की गई। उसके बाद राजस्थान में 458, तमिलनाडु में 418, मध्य प्रदेश में 393, कर्नाटक में 335, गुजरात में 320, पंजाब में 146, हरियाणा में 134, केरल में 120, छत्तीसगढ़ में 115 और तेलंगाना में 45 के साथ साथ राजधानी दिल्ली में 27 जगहों पर जो है रेलवे स्टेशनों पर जो है यह सुविधा मुहैया कराई गई। उसके बाद अगर हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 24, जम्मू कश्मीर में 14, गोवा में 20, त्रिपुरा में 19 जगहों पर जो है यह वाईफाई की सेवा जो है उपलब्ध कराई गई थी और वर्तमान में भी यह सुविधा जो है वो लागू है। रेलवे की तरफ से फिलहाल ट्रेनों से मिलने वाली वाईफाई सुविधा को बंद करने की बात कही गई है, लेकिन अभी भी देश के कई रेलवे स्टेशनों पर फ्री वाईफाई सुविधा जारी रहेगी। रेलवे की तरफ से ट्रेनों में वाईफाई सुविधा नहीं मिलने से यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन स्टेशनों पर मिलने वाली वाईफाई थोड़ी राहत जरूर देगी वैसे यात्रियों को जो कि ट्रेन के अंदर भी वाईफाई की सेवा ले रहे थे। तो ये थी रेलवे से लेकर जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।